सो गाइस यार, आज हमारे पास में है एक कैलकुलेटर। देख सकते हो दोस्तों आप, हमारे पास में एक कैसियो का FX82MS कैलकुलेटर है, देख सकते हो आप। और आज हम इसी कैलकुलेटर को खोलकर देखने वाले हैं कि कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले कैलकुलेटर को खोलना होगा कैलकुलेटर के अंदर, देखने के लिए कि कैलकुलेटर के अंदर होता क्या है। तो चलो पहले हम इस कैलकुलेटर के, जो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्क्रूज लगे हुए हैं। तो पहले मैं इन 6 स्क्रूज को ओपन कर देता हूँ और फिर हम जल्दी से इसका जो पीछे वाला कवर है हम इसको ओपन कर देंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो चलो इसको खोलते हैं। आर यू रेडी? 3 2 1। सो गाइस कुछ इस तरह का होता है पीछे वाला बैक कवर। देखो ये देखो, यहाँ पर पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ एक फोम टाइप मटेरियल का यूज़ किया गया है, जिससे कि जो एलसीडी है, जो हमारी ये जो एलसीडी होती है ना, मतलब आप देखो यहाँ पर एक एलसीडी डिस्प्ले है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फोम लगाई जाती है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर मतलब मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर सबसे पहले आँख जाती है वो है ये एक डबल साइज का 1.5 वोल्ट का एक बैटरी, पैनासोनिक की बैटरी यहाँ पर यूज़ की गई है। कैसियो वाले पैनासोनिक की बैटरी का यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेटर्स के अंदर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वायर आपको दिख रही होंगी। देखो एक वायर, नेगेटिव वायर आप देख रहे हो, ये इसके मतलब मेन बोर्ड तक जाती है देखो यहाँ पर, और पॉजिटिव भी देखो ऑपोजिट साइड पर है इसके बिल्कुल। देखो पॉजिटिव यहाँ पर, मतलब दोनों जो सेल से मतलब बैटरी मतलब जो एनर्जी है वो यहाँ पर जाती है। यहाँ पर एलसीडी डिस्प्ले, और इस एलसीडी डिस्प्ले को आप देख सकते हो तो इसकी मदद से कनेक्ट किया गया है इसके मेन बोर्ड के साथ। जो आप यहाँ पर ब्लैक ब्लैक देख रहे हो जो पार्ट है, ये इसका मेन मतलब हम कह सकते हैं आईसी है, फिर मतलब इसको कंप्यूटर भी आप कह सकते हो, मतलब मेन यहाँ पर सीपीयू, जहाँ पर सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, सारी कैलकुलेशंस जो भी यहाँ पर है, ये सब जो भी सारी हम जैसे यहाँ पर टाइप करते हैं 4 5, जैसे मैंने यहाँ पर 4 5 टाइप किया तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, जो 4 5 था वो सारा मतलब यहाँ पर कंप्यूटर तक चला गया। और फिर क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर प्लस प्रेस करता हूँ, देखो +45 +45, अब मैं इस इक्वल टू करूँगा आंसर आ जाएगा 90। मतलब ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है, हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करना, हर एक चीज़ का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोसेस होती है। मतलब ये इसका मेन हम कह सकते हैं CPU हम कैसे कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है कैलकुलेटर के अंदर का राज। चलो मैं इसको भी शायद इन स्क्रूज को भी, यहाँ पर मुझे 2 स्क्रूज और दिख रहे हैं, 3 4 1 2 3 4 4 स्क्रूज और दिख रहे हैं, चलो मैं इनको भी ओपन कर देता हूँ। अब कैलकुलेटर खोल ही लिया तो और खोल लेते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बाद में अगर मुझसे कैलकुलेटर बंद नहीं हुआ तो मुझे ये वीडियो काफ़ी महंगी पड़ सकती है गाइस। मैं इसके लिए यहाँ पर छोटा स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर जो है ये खुल नहीं रहा। छोटे स्क्रू ड्राइवर से देखते हैं कि क्या हम इसे खोल पाते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं खोल पाया तो मैं वीडियो मुझे यहीं पर ही बंद करना पड़ेगा। सो गाइस स्क्रू बहुत छोटा है, और गाइस सच में एक स्क्रू निकल चुका है। मुझे मतलब वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रू 1 सेकेंड में ही निकल जाता है। देखो और ये निकल गया स्क्रू, एक और 2 स्क्रूज निकल चुके हैं। चलो एक और 2 स्क्रूज और हैं, चलो इनको भी खोल लेते हैं जल्दी से, बस लास्ट स्क्रू। और इसके बाद हम इसका जो ये बोर्ड जिसे कहते हैं, जिसे हम शायद मदरबोर्ड भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, मदरबोर्ड ही कहते होंगे, हम इसको ओपन कर देंगे और फिर देखेंगे इसके पीछे की तरफ क्या है। बेसिकली मुझे पता है यहाँ पर बटन्स वगैरह सारे होंगे, उनके साथ जो मतलब प्रेस करते हैं वो मॉड्यूल होगा, मुझे वैसे पता है थोड़ा बहुत। चलो खोल देते हैं इसको। चलो इसको मैं काफ़ी सावधानी से इसको खोल रहा हूँ, मतलब काफ़ी केयर के साथ खोल रहा हूँ, कहीं मैं कुछ हिला ना दूँ अंदर की तरफ। ओके, काफ़ी मतलब मैं पेशेंट होकर इसे उतार रहा हूँ, आप समझ सकते हो, मुझे वायर को ध्यान से रखना होगा, कहीं वायर ना मैं हिला दूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर एक पैड लगा हुआ मुझे दिख रहा है, आपको शायद ना दिख रहा हो, देखो यहाँ पर एक कीपैड जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो गाइस कुछ इस तरह का होता है कैलकुलेटर के अंदर। देखो
जैसे मैंने आपको कहा, यार देखो ये जो होता है हमारा कीपैड होता है, देखो मैं इसको शायद निकाल सकता हूँ या नहीं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल मतलब हर एक की होती है। देखो जैसे जीरो आ गई मेरे हाथ में शायद, ओके तो मैं इसको यहाँ पर इसकी पोजीशन पर दोबारा लगा देता हूँ। देखो कुछ इस तरह का मतलब अंदर ये जो पैड होता है कुछ इस तरह का होता है। देखो मैं इस पहले की को लगा देता हूँ, कहीं मैं इसे बाकी कीज ना निकाल दूँ। देखो मैंने की को लगा दिया। सो गाइस मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ अच्छे से। देखो कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रख देता हूँ कुछ इस तरह से, जो पैनल है इसको मैं रख देता हूँ एक बारी के लिए, तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूँ, देखो मैंने इसको अच्छे से पकड़ा हुआ है, कहीं मैं जो कीज़ है, वरना जो कीज़ है जितनी भी यहाँ पर कीज़ है वो सारी बाहर निकल जाएगी, कैलकुलेटर की बॉडी में से अलग हो जाएंगी। सो उनको मतलब फिर लगाने में, उसकी जगह पर लगाने में तो मतलब मुझे घंटे लग जाएंगे, घंटों का टाइम वेस्ट होगा। तो जल्दी से मैं इसको यहाँ से एक बार आराम से इसको ओपन कर देता हूँ। वैसे मैंने आपको दिखाया था, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का, पीछे की तरफ कुछ इस तरह का पैनल होता है दोस्तों। देखो जो हमारी LCD डिस्प्ले है वो भी मतलब आ चुकी है मेरे हाथ में। देखो ये देखो कुछ इस तरह का होता है हमारा कैलकुलेटर के अंदर। देखो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे डॉट्स है बेसिकली हमारे कीज है। जब हम ये जो होता है यहाँ पर, ये क्या होता है जो आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक डॉट्स लगे हुए हैं हर एक की के ऊपर, वो क्या होते हैं बेसिकली कंडक्ट कर देते हैं यहाँ पर करंट, और जब हम उसको प्रेस करते हैं तब जो है फंक्शन कैरी हो जाता है, और फिर उसके बाद में जो फंक्शन होता है की का वो यहाँ कंप्यूटर तक चला जाता है, और फिर उसके बाद जो प्रोसेस होकर जो डिस्प्ले पर यहाँ पर हमें LCD डिस्प्ले पर हमें आ जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है कैलकुलेटर के अंदर का राज। अब अगर मैं इस की पैड को उतार दूँ तो देखो किस तरह से दिखता है ये दोस्तों। अब यहाँ पर देख पा रहे हो इतने सारी जो ये चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ है जो हमें दिखता है। देखो मेरे हाथ में एक आ गई थी शायद ये वाली की, देखो ये देखो कुछ इस तरह की कीज़ होती हैं, ये देखो कॉमा और मतलब ऐसी काफ़ी सारी कीज़ आ जाती हैं। देखो एक और आ गई, ब्रैकेट वाली आ गई, ब्रैकेट क्लोज आ गया, मतलब काफ़ी सारी कीज़ हैं। देखो यहाँ पर मतलब ये जो कीज़ है मतलब ये सारी मतलब कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर रेंज की होती हैं। मतलब ऐसा नहीं, अगर मान लो मैंने इस की को गलत जगह पर प्लेस कर दिया, मतलब यहाँ पर थी की, और अगर मैं उसको यहाँ लगा दूँगा तो क्या होगा, जो प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर में वो गलत होगा। मतलब आप इसको उस तरह से रिलेट कर सकते हो, आप कीबोर्ड के ऊपर आपने देखे होंगे वो जो कीज़ लगी होती हैं उस पैटर्न में लगी होती है ना, QWERTY मतलब QWERTY, मतलब जो वो पैटर्न में लगी होती है। मान लो मैं उस की को निकाल कर किसी और की के साथ रिप्लेस कर दूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं क्यू दबाऊँगा तो अगर की क्यू वाली प्रेस करूँगा की तो वो W कोई प्रोसेस करेगा, नहीं वो क्यू अगर मैं W की जगह लगाऊंगा तो वो W ही प्रोसेस करेगा। तो मतलब कुछ ऐसा ही होता है कैलकुलेटर के अंदर भी, मतलब आप समझ गए होंगे शायद। तो कुछ ऐसा होता है कैलकुलेटर के अंदर। देखो यहाँ पर LCD डिस्प्ले हमें दिख रहा होगा आपको भी, ये देखो कुछ इस तरह का LCD डिस्प्ले होता है हमारा, ये देखो। और उसके साथ मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी वायरिंग है। देखो ये होता है हमारा पैड, देखो जब प्रेस करते हैं की तो बेसिकली हम इस चीज़ को प्रेस करते हैं, और ये देखो ये बाहर की तरफ आ जाता है और इसको मतलब कंडक्ट कर देता है, और हमारा जो प्रोसेस है वो हो जाता है, हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं बस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।